मेन रोड नवाबा वाला पर सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद सड़क आमदोरफ्त के लिए बेकार। 20 आबादियों के हजारों अफराद इस रोड से सफर की सहूलत से इस्तेफादा करते हैं। घरों को आने जाने के लिए लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है जो गरीब आवाम की जेबों पर बोझ है। इस हवाले से मेन रोड नवाबा वालों के दुकानदारों ने मियां एजाज हुसैन उम्मीदवार सूबाई असम्बली पीपी 115 के ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर शेख काशिफ, मलिक शहजाद, मलिक गुलफाम, अमीर मिस्त्री, बिल्लू चट, मलिक यासर, अमीन भाई, चौधरी मुस्तफ़ा, इमरान मुगर, रिजवान, सोनी गुज्जर, दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मियां एजाज ने कहा कि इस रोड पर 5 से 6 बड़ी मस्जिद हैं, नमाजियों के लिए नमाज की अदायगी मुश्किल हो चुकी है। इधर फितर के मौके पर भी नमाज ईद की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नवाबा वाला रोड मेन कारोबारी इलाका है, रोड की खस्ता हाली की वजह से कारोबार ठप हो गए हैं। ख्वाहिश है कि इदारे सियासी मुदाखलतों से पाक और खुद मुख्तार हों। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और वासा इंतजामिया के मशकूर हैं जिन्होंने मेन नवाबा वाला रोड सीवरेज सिस्टम की खराबी को दूर किया। हम डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर नवाबा वाला रोड की तमीर की जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके।